नमस्कार, मैं पवन शुक्ला एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। गारंटी देता हूँ, जी हाँ सही वर्ड सुना आपने, गारंटी देता हूँ मैं आपको कि आज जो मोडाल वर्ब की क्लासेस होने वाली हैं इससे बेहतर क्लास आज तक आपने किसी चैनल पे नहीं देखी होगी। अगर देखी होगी तो 20 साल का जो तजुर्बा मैं लगातार आपको देता जा रहा हूँ इन वीडियोज़ के माध्यम से, नीचे कमेंट करके बताइए कि मैंने इस वीडियो में देखी है। ऐसा दावा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों के समय और जो आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, जो आप ये नेट लगा रहे हैं, मैं उसकी कीमत करता हूँ, मैं आपके फ्यूचर की कीमत करता हूँ। हर वीडियोस में लगातार मैं कुछ ना कुछ नया देने की कोशिश करता हूँ। आप ये देखिए, एक वर्ड से लेकर टेंसेस तक की सीरीज़ हो, बेसिक वर्ड्स हो, वर्ब्स के बारे में हो, आप जितनी वीडियोज़ देखेंगे उसमें आपको कुछ ना कुछ हर चैनल से हमेशा अलग मिलेगा। तो आइए देखते हैं आज की क्लास कैसे होने वाली है। 10 स्लाइड्स में क्लास होने वाली है। बहुत तेजी से मैं इस क्लास को कवर करना चाहूंगा। बाद में और वीडियोस में मैं इसको डिटेल में दूंगा और इसकी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां पर जाके आप सीरीज से सारी वीडियोज देख सकते हैं। जी हाँ, मुझे खुशी है, ये मेरा अहंकार नहीं है, मेरी खुशी है कि मैं आप लोगों के साथ जो कुछ भी मैंने पाया लगातार वीडियो के माध्यम से देता जा रहा हूँ। आप लोग चेक करिए, आराम से करिए, 6 महीने साल भर चेक करिए। अगर कोई चैनल मोडाल वर्ब्स के बारे में इतनी अच्छी तरीके से पहले लेसन में बता देता तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उन चीज़ों में सुधार करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं मोडाल वर्ब्स के बारे में। मोडाल वर्ब्स कहते किसे हैं? सबसे पहले इस स्लाइड में आप देखिए, हमारे पास मोडाल्स ये गिनती के कुछ वर्ड्स हैं, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, आउट, टू, यूज टू, ये सारे वर्ब्स कहलाते हैं। इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं और मोडाल वर्ब्स भी कहते हैं। टेंसेस से बिल्कुल अलग है। आपने जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने कभी ना कभी इन वर्ब्स का नाम सुना होगा, मोडाल वर्ब्स। हम लोग क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं, बहुत जगह ट्यूशंस वगैरह भी लगाते हैं, उनके बारे में जानते आए हैं। तो मोडाल वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और मोडाल वर्ब्स भी कहते हैं। इन वर्ब्स की खासियत क्या है इसको जानने से पहले आइए हम दूसरी स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं। लगातार लंबी वीडियो होगी, लेकिन अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको मोडाल्स आज के बाद कभी भी समझने की जरूरत नहीं होगी दोबारा। दूसरी वीडियो में कुछ एग्जांपल्स देखिए। आई कैन स्पीक इंग्लिश, वी विल हेल्प यू, यू शुड हेल्प अदर्स, मे आई कम इन, इट मे रेन टूडे, ही कैन रन फास्ट, यू मे कम इन। इसमें देखने वाली बात यह, पहली चीज तो ये देखिए, जो अंडरलाइन किया हुआ उसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं, ये टेंस में यूज होता है। टेंस और मोडाल वर्ब में क्या यूज होता है, फर्क होता है, ये मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा। इसमें आप देखेंगे कैन, विल, शुड, मे, कैन, इनका यूज हो रहा है। इसमें एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये सारी चीजें टेंस से बिल्कुल अलग हैं, इसमें टेंस के बारे में नहीं बताया जा रहा है आपको। आई कैन स्पीक इंग्लिश मतलब मैं बोल सकता हूँ, वी विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। यू शुड हेल्प अदर्स, तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। मे आई कम इन, ये परमिशन है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इट मे रेन टूडे, ये संभावना है, आज बारिश हो सकती है। ही कैन रन फास्ट, वो तेज भाग सकता है। यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हैं, आपको परमिशन है अंदर आने की। तो परमिशन हो गया, पावर हो गया, एबिलिटी हो गया, देखा आपने, पावर हो गया, परमिशन हो गया, एबिलिटी हो गया, सजेशन हो गया, विश हो गया, प्रेयर हो गया, ये सारी जो भाव हैं ये हम मोडाल वर्ब्स के साथ ही यूज करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट भी हो गया, ये जितने भी यूज़ देख रहे हैं आप, ये टेंसेस में हम लोग नहीं कर पाते हैं। ट्रांसलेशन और टेंस में क्या फ़र्क है, मैंने बहुत डिटेल वीडियो बना रखी है इसके बारे में, फिर भी बहुत तेज़ी से बताऊं। ट्रांसलेशन का मतलब दुनिया की किसी भी एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना, सिर्फ हिंदी से इंग्लिश में नहीं। दूसरी बात, टेंस का मतलब क्या है, टेंस का मतलब होता है हाउ टू राइट करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट मे बी इन इंग्लिश टू इंग्लिश। तो ये आपने देखा कि इसमें ना तो टाइम का पता चल रहा है ना तो लेवल का पता चल रहा है। जैसे आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ, दोनों बातों में बहुत फर्क है। पहले सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो ये बताया जा रहा है कि मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ, जैसे खेलने का काम कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ। लेकिन आई कैन हेल्प यू का मतलब होता है मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मेरे पास वो पावर है, मेरे पास वो एबिलिटी है, मेरे पास वो साधन है, मेरे पास वो विल पावर है जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूं, मैं एबल हूं मैं आपकी हेल्प करने के लिए। तो आइए तीसरी स्लाइड में हम देखते हैं, लगातार वीडियो से इंपॉर्टेंट पॉइंट बातें देखते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, ये मोडाल वर्ब्स कभी अकेले नहीं आते, हमेशा दो वर्ब्स आते हैं। जैसे आपने पिछली स्लाइड में देखा कि दो वर्ब्स के साथ ही थे ये, कैन स्पीक, विल हेल्प, शुड हेल्प,
मे कम, मे रेन कैन रन, मे कम आपने पिछली स्लाइड में देखा, तो आपने देखा ये कभी अकेले नहीं आते। दूसरा पॉइंट ये है कि इनके साथ कभी एस, ई एस या आई एन जी नहीं लगता। टेंसेस में आपने देखा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस, ई एस, डी, ई डी, आई एन जी लगाकर उनकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते थे। फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस दे रखी हैं, बहुत ही आसान तरीके से एग्जांपल्स के साथ दे रखी हैं, उनके बारे में जानिए। तो आइए 10 बातें जाननी है इस वीडियो में, जुड़े रहिए, हर स्लाइड में एक नई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फिर आते हैं, ये मोडाल वर्ब्स अकेले नहीं है, हमेशा दो वर्ब्स आते हैं। दूसरी बात, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, शुड, इनके साथ कभी एस, ई एस, आई एन जी नहीं लगता। तीसरी बात कि सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे एक हो चाहे ज्यादा हो, जिसे हम सिंगुलर या प्लूरल भी कहते हैं, उनके हिसाब से इन वर्ब्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आई कैन, वी कैन, यू कैन, दे कैन, आई विल, यू विल, दे विल, ही विल, शी विल, कोई सा भी सब्जेक्ट्स हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर रखे हैं। ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो हम बार बार यूज़ करते हैं, इनका बार बार यूज़ इसलिए करते हैं ताकि समझने में और समझाने में आपकी पूरी हेल्प हो सके। तो आपने देखा, इन तीन पॉइंट्स को याद रखिएगा, पिछली स्लाइड्स में आप देख सकते हैं, उनमें जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं उसमें आपको क्लियर भी होगा। इसके बाद अगली स्लाइड में हम देखते हैं टेंस एक्शन वर्ब में और मोडाल वर्ब में क्या फर्क होता है। देखिए, टेंस बिल्कुल अलग हैं, मोडाल वर्ब्स बिल्कुल अलग हैं, हैं इसमें दोनों में ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, मेन वर्ब का भी यूज होता है। टेंसेस में अगर हम देखें तो कई बार एक वर्ब से भी हमारा काम चल जाता है, जैसे आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया, इसमें डिड एक ही वर्ब है। वैसे तो टेंसेस में मोस्टली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब था इज आर एम, वॉज वर, हैज हैव, डू डज डिड और विल, ये अक्सर यूज होते ही हैं। लेकिन फिर भी मोडाल वर्ब्स में तो कन्फर्म है कि आपको दो वर्ब्स मिलेंगे, यानी कि विल, कैन, मे, माइट, शुड, मस्ट, इनके साथ आपको एक एक्शन वर्ब जरूर मिलेगा, रन, प्ले, ईट, स्लीप, थिंक, इसके साथ एक वर्ब जरूर मिलेगा, आपको गौर करिएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या फर्क है, दोबारा इस स्लाइड में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि टेंस में और मोडाल्स में फर्क क्या है। आज सिर्फ बात मैं मोडाल्स की नहीं करना चाहूंगा, मैं इसके हर पहलू को आपके सामने रखना चाहूंगा। उसके बाद आने वाली वीडियो सीरीज में मैं एक एक मोडाल वर्ब्स लूंगा और बहुत ही आसान तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों को इनके तथ्यों को, इनके रूल्स को बताऊंगा, ताकि आपको जिंदगी में दोबारा मोडाल वर्ब्स में कभी कंफ्यूजन ना हो। मेरी पूरी कोशिश होगी, मेरा वादा होगा आपसे। तो इसमें देखिए, आई स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, इसमें क्या फर्क है, आई स्पीक इंग्लिश होता है मैं इंग्लिश बोलता हूं, ये मेरी हैबिट है, ये मैं डेली काम करता हूं, मैं एक ऐसे ऑफिस में हूं या मैं एक टीचर हूं, मैं इंग्लिश बोलता हूं, डेली की बात है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब हो गया मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं बोलूं या ना बोलूं, बट मेरे अंदर ये एबिलिटी है, ये नॉलेज है, आई हैव नॉलेज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। दोनों बातों में फर्क देखिए, एक में दिखा रहा है कि एबिलिटी और एक में दिखा रहा है कि डेली जो होने वाला काम है। तो ऊपर टेंस है और नीचे मोडाल वर्ब है। दूसरा एग्जांपल लीजिए, आई एम प्लेइंग नाउ, मैं अभी खेल रहा हूँ, आई कैन प्ले नाउ, मैं अभी खेल सकता हूँ, यानी कि अगर मैं चाहूँ तो खेल सकता हूँ, मेरा मन किया तो मैं नहीं खेलूंगा। लेकिन पहले वाले वाक्य में आप देखेंगे तो उसमें टेंस है, ये इसमें ये बताया जा रहा है कि कौन सा काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, इसी समय हो रहा है जब वो बोल रहा है। लेकिन आई कैन प्ले नाउ का मतलब ये होता है कि हाँ, मैं पहले बीमार था लेकिन अब खेल सकता हूँ, मेरा मन है इसलिए मैं खेल सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं खेल सकता हूँ, मेरी मर्जी होगी तो मैं खेल सकता हूं, मुझे नॉलेज है इसलिए मैं खेल सकता हूं। कैन के बहुत सारे यूजेस होते हैं, ये हेल्प करते हैं उन सारे भावों को, जो इमोशंस हैं, जो हमारी इंटेंशंस हैं, उनको क्लियर करने के लिए कि किस इंटेंशन के साथ मैं इसे बोल रहा हूं, पावर के साथ बोलना चाहता हूं या एबिलिटी की इंटेंशन के साथ बोलना चाहता हूं। ये एग्जाम्पल आपने देखा दूसरा वाला। तीसरे वाले में देखिए, आई एम कमिंग इन द रूम, मतलब मैं रूम में आ रहा हूं, मतलब मैं कोई काम कर रहा हूं। दूसरा, मे आई कम इन, ये परमिशन है। यहाँ पे एक चीज़ और करिए, मे आई कम इन का मतलब ये, सर मैं क्या अंदर आ सकता हूँ, मैडम मैं क्या अंदर आ सकता हूँ, मैं किसी से परमिशन ले रहा हूँ। लेकिन टेंसेस में ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी से परमिशन लें, क्योंकि टेंसेस में हम काम चल रहा है, हो चुका है, होगा, हुआ था, हो चुका था,
ऐसे एक्शन के बारे में बात करते हैं जिसमें टाइम और लेवल हो, लेकिन हम परमिशन नहीं ले सकते टेंस की हेल्प से। तो एक ये नई बात आपने और सीखी इसमें। तो पहले में आई एम कमिंग इन द रूम, मैं आ रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, मैं कोई एक ऐसा काम अभी प्रेजेंट टाइम में लेवल का क्या लेवल क्या है काम का कि मैं उस काम को कर रहा हूँ। और दूसरे में क्या है, मैं आई कम इन, ये परमिशन लेना चाहता हूँ, मुझसे कोई सीनियर अथॉरिटी है उससे मैं परमिशन लेना चाहता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आप टेंस की हेल्प से परमिशन नहीं ले सकते हैं और मोडाल की हेल्प से टाइम और लेवल एक्शन का क्या है वो नहीं बता सकते हैं। तो आइए अगला एग्जाम्पल देखिए, यू वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड। इसमें आप देखें यू वर्क हार्ड का मतलब ये होता है कि मैं आपको एक सलाह भी दे रहा हूँ। यहाँ पे वर्क हार्ड से भी बात चल सकती थी, ऑर्डर भी हो सकता था, एडवाइस भी हो सकता था। जैसे वर्क हार्ड, इट इज़ गुड फॉर यू, कड़ी मेहनत कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, पेपर आने वाले हैं या नई जॉब लगी है। तो इसमें यू वर्क हार्ड कह लीजिए या वर्क हार्ड कह लीजिए। दूसरा है यू शुड वर्क हार्ड, मतलब मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ, आपके दोस्त के नाते, आपके शुभचिंतक होने के नाते, आपसे बड़े होने के नाते मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि कड़ी मेहनत करो, कि मेरी सलाह है। हाँ, आप माने या ना माने वो एक बात अलग है, लेकिन मेरे हिसाब से यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आम भाषा में आपने देखा होगा, अगर आपने कभी इंग्लिश की कोचिंग ली हो तो उसमें चाहिए वाले जो वाक्य होते हैं, हमें ये करना चाहिए। तो आपने ये देखा कि आपको मैंने चार एग्जाम्पल्स दिए, इसमें मैंने टेंस में और मोडाल वर्ब में क्या फ़र्क होता उसमें मैंने आपको बताया, जबकि दोनों में ही वर्ब्स यूज़ होते हैं, टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और मोडाल खुद भी एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके बावजूद दो सेक्शंस हैं, दोनों के अलग अलग यूज़ हैं। आइए अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि टेंस में और मोडाल्स में क्या फर्क है। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं टेंस में तीन बातें हमें जरूर क्लियर होती हैं। नंबर वन, एक्शन, किस एक्शन की बात कर रहे हैं। मैं खाना खा रहा हूं, मैं खा की बात कर रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं सोने की बात कर रहा हूं, मैं काम कर चुका हूं, मैं करने की बात कर रहा हूं, ये हो गया एक्शन। लेवल क्या है, मैं कर रहा हूं यानी काम चल रहा है, काम हो चुका है, काम होगा, काम हो चुका था या कल काम हुआ था, ये लेवल हो गया एक्शन का। टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जब भी आप कभी इंग्लिश सीखने जाते हैं तो 99.99% आप देखेंगे कि टीचर्स टेंस से शुरू करवाते हैं, हालांकि वो होता ट्रांसलेशन है हिंदी टू इंग्लिश का, लेकिन फिर भी हम उसे टेंस का नाम दे देते हैं। टेंस का मतलब है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि वर्ब्स की तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों में से सेंटेंस के हिसाब से कौन सी फॉर्म लगी, कौन सी करेक्ट फॉर्म होगी, ये हमें जानना होता है। दूसरी चीज आपने देखा कि टेंस में हम एक्शन कौन सा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फिर उसके साथ एस ई एस डी ई डी आई एन जी लगाकर उसका लेवल सेट करते हैं, और टाइम भी उसी के हिसाब से हम बताते हैं कि इज आर एम लगाते हैं तो प्रेजेंट है, वॉज वर लगाते हैं तो पास्ट हो गया, यानी कि टाइम, लेवल, एक्शन तीन के बारे में बात हो रही होती है। लेकिन जब हम मोडाल्स की बात कर रहे होते हैं तो पावर, एबिलिटी, एडवाइस, पॉसिबिलिटी, परमिशन, सजेशन, विश और प्रेयर, इनकी बात हो रही होती है। अब ये पावर क्या है, पावर मतलब मैं आपको 10 रुपये दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास 10 रुपये हैं। एबिलिटी क्या है, मैं इस सवाल को कर सकता हूं, मैं कार चला सकता हूं। पावर क्या है, मैं इस बक्से को उठा सकता हूं। एडवाइस क्या है, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें अपनी सेहत पे ध्यान देना चाहिए, तुम्हें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। पॉसिबिलिटीज क्या है, आज बारिश हो सकती है, हो सकता है ये ट्रेन आज लेट आए, हो सकता है आज मैं दिल्ली जाऊं, हो सकता है मैं ये वाली नौकरी ज्वाइन कर लूं। ये पॉसिबिलिटीज के मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल्स दिए हैं जो कि मोडाल वर्ब्स की हेल्प से ही बनते हैं। अगला है परमिशन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन, मे आई सिट डाउन, मे आई ईट इट, मे आई ड्राइव योर कार, मे आई यूज योर फोन। ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताए कि किसी की चीज लेने से पहले या किसी के ऑफिस में, रूम में घुसने से पहले जो हम परमिशन लेते हैं उसके लिए हम मे यूज करते हैं, ये भी एक मोडाल वर्ब है। दूसरा है सजेशन, किसी को सलाह देनी है, उसके मैंने आपको एग्जांपल दिए, सजेशन किसी के लिए क्या अच्छा रहेगा, बेटा आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए क्योंकि आपके पेपर्स नजदीक आ रहे हैं, यू शुड वर्क हार्ड। इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चला सजेशन कैसे देते हैं। न जाने कितने एग्जाम्पल्स और हैं, पर अभी ये वीडियो बहुत आगे, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। विश और प्रेयर, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। प्रेयर हो गया, ये तो विश हो गया, प्रेयर के लिए भी हो गया, मे गॉड हेल्प अस, मे गॉड हेल्प यू। तो ये विश भी हो गया, प्रेयर भी हो गया, ब्लेसिंग्स भी होगी, ये सारी एग्जांपल्स उनसे जुड़े हुए हैं। तो आपने देखा टेंस और मोडाल्स में क्या फ़र्क है। जितने भी मोडाल्स के पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं टेंस के वर्ब से पॉसिबल नहीं है, इसके लिए ये अलग से, ये जो 13 या 14 मोडाल वर्ब्स हैं ये अलग से बनाए गए हैं ताकि आपकी इंटेंशन क्या है उसके अकॉर्डिंग आप इसे यूज़ कर सकें।
तो आइए हम देखते हैं अगला, कुछ एग्जांपल्स लीजिए। आई कैन स्पीक इंग्लिश, इसमें एबिलिटी दिखाई गई, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ये आपकी योग्यता दिखाई गई है। एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, इसमें पावर दिखाई गई है, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत तो है कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। आई विल हेल्प यू, मैं सक्षम हूँ, मेरे पास पैसा है या जो भी आपको हेल्प चाहिए उसके लायक हूँ, तो मेरा आपसे प्रॉमिस है, यहाँ पे प्रॉमिस का इंटेंशन निकल रहा है, मैं आपकी हेल्प करूँगा। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, ये हमारा कर्तव्य है। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो हम मोडाल वर्ब की हेल्प से बनाते हैं। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए, हमें आज्ञाकारी होना चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, सलाह, मे आई सिट हियर, आज्ञा। ये सारे अपने एग्जांपल्स देखे जो मोडाल वर्ब से होते हैं। इसके बाद हम फटाफट देखते हैं कि मोडाल वर्ब्स में टाइम होता है। जी हाँ, टेंस में अगर टाइम होता है तो मोडाल वर्ब्स में भी टाइम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगातार जुड़े रहिए, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक दो स्लाइड्स और हैं, लेकिन उससे पहले अगर आज की वीडियो आपने रिपीट करके देख ली, बार बार देखी, कॉपी में मेन पॉइंट्स उतार लिए, तो मैं गारंटी देता हूं आपको कि आपको और किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम इस टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में की वीडियो है ये मैं दावे से कह सकता हूं। बहुत ही आसान तरीके से ये सारी जो सीरीज हैं, ये सारी जो टॉपिक्स हैं, ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, जो तजुर्बा है उसे इकट्ठा करके आप लोगों को देने के लिए, ताकि मेरे देश में हर एक बच्चे तक ये जानकारी पहुंचे। और आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें, ना जाने किस जरूरतमंद बच्चे तक ये काम की जानकारी पहुंच जाए, उसका भला हो जाए। और इतनी सारी वीडियोस में आपको कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है, एक बात बता दूं मैं आपको इसी के साथ, क्योंकि हर वीडियो के साथ, उसके साथ जो उसकी सीरीज है, उसके लिंक मैंने मोस्ट प्रॉब्ली दे रखे हैं, ताकि आपको तकलीफ ना हो। आप कोई भी वीडियो देखते हैं, अगर उससे जुड़ी हुई कोई सीरीज है, तो उसके सब्सक्रिप्शन में एक लिंक जरूर दिया गया होगा, उस लिंक पे आप देखेंगे, वहां से लिंक टू लिंक आप जुड़ते चले जाएंगे, एक पेन और कॉपी लेके बैठेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। उसके बाद देखे हैं मोडाल वर्ब्स में भी टाइम होता है। जी हाँ, टेंस में अगर टाइम होता है तो मोडाल वर्ब्स में भी टाइम होता है, लेकिन फर्क क्या है कि इसमें टाइम तो होता है, प्रेजेंट भी होता है, पास्ट भी होता है, फ्यूचर भी होता है, आप इस स्लाइड में भी देखेंगे, लेकिन इसमें एक्शन का लेवल नहीं होता, कि एक्शन का क्या लेवल है वो हमें नहीं पता चलता। टेंस में भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है, मोडाल्स में भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है। इस स्लाइड में आइए देखें, इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए, जैसे आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, हालांकि ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों सेंस निकल रहे हैं इससे, लेकिन अगर मैं प्रेजेंट में इसका यूज करना चाहूँ तो हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आप रुकिए मैं अभी कर रहा हूँ। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, ये पास्ट की बात होगी, मैं खेला करता था, हैबिट की बात होगी कि कभी मैं छोटा था तो मैं क्रिकेट खेल लिया करता था, खेला करता था। तीसरा एग्जांपल, आई विल हेल्प यू, ठीक है आपने जो समस्या मेरी बताई, मैं आपकी मदद करूंगा, जब कभी समस्या आई, आई प्रॉमिस यू आई विल हेल्प यू एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सकता है मैं आपकी मदद करूंगा, इसकी कई इंटेंशंस निकल सकती हैं। तो आपने देखा प्रेजेंट का भी एग्जांपल दिया, पास्ट का भी एग्जांपल देखा आपने, फ्यूचर का भी एग्जांपल देखा। इसके साथ इसी स्लाइड में एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल से चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, इसलिए वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाती हैं, स्लाइड्स ज़्यादा हो जाती है, ताकि आपको हर बात बहुत आसानी से समझ में आ जाए। अगला देखिए, आई कुड नॉट हेल्प यू, पास्ट हो गया, यार मैं सॉरी मैं आपकी मदद नहीं कर सका उस टाइम, आई कुड नॉट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सका था, मैं आपकी मदद नहीं कर पाया उस समय। दूसरा, आई कैन कम टुमारो, मैं कल आ सकता हूँ, आज तो बिजी हूँ लेकिन होपफुली मैं कल आ सकता हूँ। इसमें कैन का सेंस ये है, एबिलिटी से मतलब है कि मुझे जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई, अब मैं ये काम कर सकता हूँ, तो ये फ्यूचर की बात हो गई, सेंस फ्यूचर का निकला। अगला है, यू मे सिट हियर, ये प्रेजेंट की बात है कि आपने परमिशन ली, क्या मैं बैठ सकता हूँ, उसने कहा जी बैठिए, प्रेजेंट की बात होगी। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों आपने देखा मोडाल वर्ब्स में भी यूज हो सकते हैं, टेंस में भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होते हैं, लेकिन उसमें एक्शन का टाइम लेवल ये दो चीज़ें बताई गई होती हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई। आइए इन दोनों में जो फर्क है, टेंस का बेसिकली जो फर्क है आप देख रहे हैं स्लाइड में, टाइम का जिक्र है पर लेवल नहीं है। टेंस में होता है काम चल रहा है, काम हो चुका है, इसमें पता नहीं चलता है कि हाँ भाई जो है हम किस इंटेंशन से कह रहे हैं।
इससे हमारा कोई मतलब नहीं होता। इसमें सिर्फ हम टाइम लेवल का एक्शन, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। ये टेंस में आपने देखा कौन सा एक्शन है, उसका क्या लेवल है, उसका क्या टाइम है, उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। मोडल्स में भी आपको मैंने बताया तीनों टाइम है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, लेकिन इसके साथ जो मैंने आपको 14-15 पॉइंट्स गिनवाए वो भी इसी के साथ ऐड होते हैं, जैसे पावर, पॉसिबिलिटी, एडवाइस, सजेशंस हो गया, विश हो गया, प्रेयर हो गया, परमिशन हो गया, पास्ट एबिलिटी होगी, ये सारी चीज़ें मोडल्स में यूज़ होती हैं। ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए जा चुके हैं। आइए अब इस स्लाइड में देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूँगा, इसके बाद एक स्लाइड और है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको पूरी तरह कि मोडल वर्ब्स क्या होता है, और मोडल वर्ब्स भी हेल्पिंग वर्ब है, टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, फिर भी दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों का क्या यूज़ है, ये आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। एग्जाम्पल्स देखिए, आई एम प्लेइंग रहा हूँ, आई कैन प्ले सकता हूँ, आई विल कम ये काम होगा, आई मे कम ये संभावना है, मैं आ सकता हूँ नहीं आ सकता ये संभावना, आई विल कम ये काम होगा, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, ठीक है मैं आऊँगा आपने बुलाया तो, आई एम प्लेइंग ये बता रहा है, टाइम बता रहा है और काम का लेवल बता रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, यानी काम अभी चल रहा है, इसका लेवल है। आई कैन प्ले मतलब मैं काम कर सकता हूँ, कर नहीं रहा हूँ कर सकता हूँ, ये मेरे अंदर पावर है, ये मेरे अंदर एबिलिटी है। तो इस एग्जांपल से भी आपने समझा, होपफुली आपको समझ में आया। ये आखिरी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेल्पिंग वर्ब दोनों हैं। जी हाँ, आपने शुरू से जब इंग्लिश में अगर आपने मीडियम लेवल तक भी टेंस कवर कर लिए होंगे, नरेशन या मोडल्स तक अगर पहुँचे होंगे, तो आपको बताया गया होगा कि मोडल वर्ब्स होते हैं, जैसे टेंसेस हो गए, मोडल वर्ब्स हो गए, नरेशन हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, ये सारे कॉमन टॉपिक्स हैं जिनके बारे में लगभग हर टीचर बताता ही है बच्चों को। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब ये दोनों ही हैं, फिर भी क्या फ़र्क है और कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं इसके बारे में जानिए ज़रा। मोडल वर्ब्स कौन से होते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊँ, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, शुड, ये सारे मोडल वर्ब हैं, ये भी हेल्पिंग वर्ब, और टेंस में इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, ये भी हेल्पिंग वर्ब हैं, दोनों को ही हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। लेकिन मोडल्स वाला हेल्पिंग वर्ब वो 14-15 पॉइंट्स के काम आता है जो मैंने आपको बताया, और टेंस वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी टाइम, लेवल और एक्शन में हेल्प करता है। तो उम्मीद करता हूँ इस स्लाइड को देखिए, कुल मिला के 12-13 वर्ब्स ही हैं, 12-13 वर्ब्स ही हैं, दोनों का जब हम मेल करते हैं, दोनों की जानकारी जब हम लेते हैं, तो हमारी इंग्लिश का एक नेक्स्ट लेवल हो जाता है, इंग्लिश बहुत आसान हो जाती है। इसके साथ अगर हम 20, 30, 40, 50 अगर एक्शन वर्ब्स और ले लें और डिफरेंट जो है सेंटेंसेस बनाएं, तो बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत सारे वाक्य हम बना लेंगे। नई नई सीरीज लाता रहता हूँ, नए नए एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताता हूँ, एक शब्द से लेकर टेंस तक कैसे बढ़ जाए उसके बारे में भी आपको बता रखा, उसकी वीडियोस दे रखी है डिटेल में। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो अभी कर लीजिए और सारी वीडियोस को देखिए, एक एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ अलग मिलेगा। थोड़ी लंबी जरूर होंगी क्योंकि बहुत डिटेल्ड होती हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ होती है, तो टाइम लगता है। तो आज की वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद जो अगली वीडियोस आएंगी उसमें मैं एक एक करके सभी मोडल्स जो हैं, कैन, कुड, मे, माइट, इनके बारे में लेसन्स दूंगा, डीप नॉलेज दूंगा। बिल्कुल पूरी कोशिश रहती है कि आपको किसी और चैनल पे जानकारी ना मिले, ताकि आपका टाइम और मनी और एनर्जी तीनों की बचत हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग न केवल इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे बल्कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि देश के हर कोने में उस बच्चे तक पहुँचे जिसको ऐसी एजुकेशन की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच।